के अंदर जो अभी तक हमने किया उसमें ये किया कि जो लेंस का फॉर्मूला है इज वैलिड फॉर कन्वेक्स कनकेव रियल एंड वर्चुअल. लेंस का फॉर्मूला विल रिमेन सेम फॉर ऑल. दूसरा पॉइंट है अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वन है तो आपकी इमेज बड़ी बनेगी और अगर लेस देन वन है तो इमेज आपकी छोटी बनेगी और इक्वल टू वन है तो सेम साइज की बनेगी. ये भी हमने कर लिया. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज यानी कि वर्चुअल है, नेगेटिव है तो इमेज यानी कि रियल है. तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स. पहला न्यूमेरिकल, एक नीडल है और नीडल कितने सेंटीमीटर पे रखी हमने, 45 सेंटीमीटर. तो क्या गिवन है, यू, और यू इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हो और रेज हमेशा राइट जाती हैं. तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव 45 सेंटीमीटर और इमेज ऑन द स्क्रीन इज प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड. तो इमेज कहाँ पर रखी जा रही है, 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, मतलब वी इज पॉजिटिव. तो कौन सी इमेज बनी, रियल की वर्चुअल? रियल. वर्चुअल हमेशा सेम साइड पे बनती है, रियल हमेशा ऑपोजिट बनती है. तो यू नेगेटिव वी पॉजिटिव, क्लियर है यहाँ तक? तो ऑन द अदर साइड बनी. तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, रियल कौन बनाता है, कन्वेक्स. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लेंस, कन्वेक्स. फाइंड इट्स फोकल लेंथ, तो जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो यू नेगेटिव वी इसमें पॉजिटिव. तो लेंस का फॉर्मूला लगेगा. लेंस के फॉर्मूले में जो चीज निकालनी है उसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं, वो विद साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली आएगी. तो यू नेगेटिव वी पॉजिटिव सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ आएगी प्लस में, आनी भी प्लस में चाहिए थी क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है. अगर नेगेटिव आती आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत है. कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर हो गया. अब सेकेंड पार्ट है, वॉट इज द साइज ऑफ द इमेज. अगर साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट का साइज अगर 5 है तो इमेज का साइज बताओ क्या होगा. तो आपने मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है. मैग्निफिकेशन में इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज इज इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. बिना साइन कन्वेंशन के लिख लो फॉर्मूला. लिख लिया. अब एम तो गिवन नहीं है, यहीं से आंसर आएगा. अब साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल के अंदर पुट करेंगे कैसे. एच टू तो निकालना है तो इसमें तो साइन कन्वेंशन यूज करनी नहीं है क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो निकालनी है. ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जो है सीधा ही होता है. तो प्लस 5. इमेज राइट साइड पे बनती है रियल में तो ये प्लस 90 और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे होता है तो माइनस 45. तो ऑटोमेटिकली एच टू नेगेटिव में आएगा. नेगेटिव का मतलब कौन सी इमेज है, रियल इमेज है. नेगेटिव का मतलब उल्टी इमेज बन रही है और उल्टी इमेज हमेशा रियल बनती है. आंसर तो समझ में आ रहा है. हम थ्योरी में साइन कन्वेंशन बताते जरूर है पर न्यूमेरिकल में यही पुट करते हैं, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन. क्लियर है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ना. देखो इसमें कन्वेक्स लेंस इज यूज टू थ्रो ऑन द स्क्रीन 10 मीटर फ्रॉम द लेंस. तो स्क्रीन कितने मीटर पर है, 10 मीटर पे है. तो ये किसका डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है क्योंकि इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन पे. हवा में तो इमेज बनेगी नहीं ना, लेंस रखा तो स्क्रीन रखनी पड़ेगी, वहीं इमेज बनेगी. तो इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनेगी और स्क्रीन 10 मीटर पे है. तो वी आपको प्लस 10 गिवन है. मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की. मैग्निफिकेशन 19 है. फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आपको फोकल लेंथ ऑफ द, एक बात बताओ, आपको फोकल लेंथ निकालना है और आपको इसमें वी गिवन है, आपको मैग्निफिकेशन गिवन है, तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एम का, एफ का और वी का. पॉइंट नंबर 1 क्लियर है.
इस फॉर्मूले में ये बताओ कि ये कौन सा केस है, रियल का कि वर्चुअल का? कैसे पता लगा? मैग्निफिकेशन तो कोई फर्क नहीं है, मैग्निफिकेशन तो वर्चुअल में बड़ी हो सकती है और रियल में भी बड़ी हो सकती है, लेकिन क्योंकि क्योंकि इमेज इज ऑन द अदर साइड, स्क्रीन अदर साइड पे है, तो ऑब्वियसली रियल ही बनेगा, क्योंकि वर्चुअल हमेशा ऑन द सेम साइड बनती है, तो इसमें रियल इमेज बनेगी और रियल इमेज की मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज, तो फॉर्मूले में ये फॉर्मूले में एम इज नेगेटिव, वी आपको ऑन द अदर साइड है तो पॉजिटिव ही होगा, फोकल लेंथ निकालनी है पॉजिटिव ही आनी चाहिए क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, अगर नेगेटिव आ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ किया आपने। ठीक है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना प्लीज। एट वॉट डिस्टेंस क्या निकालना है? एट वॉट डिस्टेंस क्या निकालना है? शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड क्या निकालना है? यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज यू, यू निकालना है फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। चलो अच्छा है, हमें पता लग गया कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। टू ऑब्टेन एन इमेज थ्री टाइम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बोलो रियल का केस की वर्चुअल का? वर्चुअल का क्यों नहीं, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में नहीं पता लग रहा कि ये कौन सा केस है, रियल या वर्चुअल, क्योंकि आपको ये हिंट दिया नहीं जा रहा कि इमेज अदर साइड पे है या सेम साइड पे है, तो क्योंकि वर्चुअल में भी इमेज बड़ी बन सकती है और रियल में भी इमेज बड़ी बन सकती है, तो आपको ऐसे केस में दोनों केस सॉल्व करने पड़ेंगे, पहला रियल मान के और दूसरा वर्चुअल, दो आंसर आएंगे। जब क्लियर ही नहीं है कि रियल या वर्चुअल, तो फिर आप दो ही केस सॉल्व करेंगे, तो पहले रियल में मैग्निफिकेशन नेगेटिव, कन्वेक्स की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव और यू निकालना है, तो एफ एम और यू का फॉर्मूला हमने किया, मैग्निफिकेशन को -3, फोकल लेंथ को 15, यू निकाल लेना, और दूसरे केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऐसे केस में मैग्निफिकेशन जो है वर्चुअल में पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो यू निकाल लेना आंसर, तो दो आंसर आएंगे, एक बार एम नेगेटिव एक बार एम पॉजिटिव। ठीक है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखना प्लीज।
कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ऑप्टिकल बेंच. ऑप्टिकल बेंच अरेंजमेंट है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो और लैब के अंदर यूज करते हैं. एंड इज मूव्ड टिल इट गिव्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेटर. लेटर कौन है? ऑब्जेक्ट. तो लेटर का मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है. तो वो क्या कह रहा है कि एक लेंस को फिट कर देते हैं ऑप्टिकल बेंच पे, ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं और ऐसे मूव करवाते हैं कि सामने ऑपोजिट साइड पे इमेज बन जाए और रियल इमेज बन जाए ऑन द ऑपोजिट साइड. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस मेथड को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड. ये जो एक्सपेरिमेंट लिया गया है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम डिस्प्लेसमेंट मेथड है. और डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, डिस्प्लेस करवाते हैं और इमेज बनाते हैं सामने. और मैथमेटिकली ये चीज प्रूव करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज जैसी रियल इमेज बनती है, उनका कम से कम डिस्टेंस आपसी डिस्टेंस यू और वी का 4f होना चाहिए. अगर 4f, 4 टाइम फोकल लेंथ से कम दूरी है ऑब्जेक्ट में और इमेज में, तो रियल इमेज कभी नहीं बन सकती. और अगर 4f या 4f से ज्यादा है तो रियल इमेज बन सकती है. ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है. तो ये क्वेश्चन उस रिजल्ट को यूज कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट हमने किया नहीं, बिना करवाए रिजल्ट का सीधी एप्लीकेशन है. तो रिजल्ट को हम आने वाले टाइम में करेंगे. ये 4f कहां से आया? डिस्प्लेसमेंट मेथड एनसीईआरटी में नहीं है, पर मेंस और नीट में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम वो थ्योरी के अंदर करेंगे. बट ये रिजल्ट याद रहेगा कि मिनिमम डिस्टेंस उसने बोली दिया और मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4f. तो एक्चुअल में वो 80 सेंटीमीटर आपको पता है क्या दे रहा है? 4f दे रहा है. तो यहां से फोकल लेंथ कितनी आ गई? 20. बस यही इसका हिंट था कि आपको 4f अगर पता होगा तो आप f निकाल लेंगे. पॉइंट नंबर वन क्लियर है, पर हाँ आपको याद करना पड़ेगा ये रिजल्ट बिना उसको, जो है उसको किए बिना एक्सपेरिमेंट को. अब अगला पार्ट ये है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15, तो u गिवन है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, v निकालना है. तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करें, u नेगेटिव है और v निकालना है और फोकल लेंथ तो है ही पॉजिटिव 20. तो आप यहां से 1/v को एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो u को नेगेटिव पुट करें, फोकल लेंथ को 20 पुट करें, v की वैल्यू आ जाएगी -60. तो ये अलग न्यूमेरिकल है, इसका ऊपर के एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है. तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक.